मैनपुरी में हुई डिंपल की सबसे बड़ी जीत, तो केशव प्रसाद मौर्य को लेना पड़ा यूटर्न, अपनी कही बात से हटे पीछे। यूपी के लोगों ने घेर लिया तो ट्वीट डिलीट कर भागे डिप्टी सीएम, विरोधी बोले थूक कर चाटने की आदत हो गई है क्या। डिप्टी सीएम ने कहा था कि यूपी में उपचुनाव के नतीजे भविष्य का संकेत होंगे, अब जब नतीजे आए तो भविष्य की बात भूल गए। देखिए क्यों बुरे फंसे केशव प्रसाद मौर्य और सोशल मीडिया पर कैसे हुए ट्रोल। कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं कहीं उससे पलटना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन शायद यूपी के डिप्टी सीएम और अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहावत सुनी ही नहीं है, तभी तो आज यूपी उपचुनाव के नतीजों पर बहुत बुरे फंस गए हैं। डिप्टी सीएम ने आज सुबह सुबह जीत का बड़ा दावा तो किया ही था, लेकिन साथ ही ऐसी भविष्यवाणी भी कर दी थी जो अब उनके गले की फांस बन गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा था कि आज यूपी के उपचुनाव परिणाम भविष्य के लिए निर्णायक संदेश देने वाले होंगे। डिप्टी सीएम का ये लिखना साफ साफ दर्शा रहा था कि उन्हें भाजपा की जीत का विश्वास तो है ही, साथ ही वो 2024 को लेकर भी जता रहे हैं कि अगर भाजपा जीती तो भविष्य में भाजपा की सत्ता बरकरार रहेगी, और अगर आज भाजपा हारी तो भविष्य में सत्ता से विदाई भी हो जाएगी। डिप्टी सीएम कहते कहते इतना बड़ा दावा कर तो बैठे, लेकिन भूल गए कि मैनपुरी में जीत का सपना कितना मुश्किल है। जैसे ही इधर मैनपुरी में डिंपल यादव को विजयी बढ़त मिली, उधर केशव प्रसाद मौर्य की धड़कनें बढ़ने लगी। उन्हें जब खुद के फंसने का इल्म हुआ तो उन्होंने आनंद फानन में अपना ट्वीट डिलीट कर डाला। उन्होंने सोचा था कि ट्वीट डिलीट करके वे अपनी बातों से बच जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के यूजर्स उनसे भी ज्यादा स्मार्ट निकले। लोगों ने पहले ही उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले रखा था। जैसे ही डिप्टी सीएम ने ट्वीट डिलीट किया, लोग उन्हें टैग करके घेरने लगे। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार सुमित कुमार ने तुरंत सोशल मीडिया पर सवाल पूछ लिया। उन्होंने लिखा, आज सुबह यूपी के उप मुख्यमंत्री जी प्रातःकाल ट्वीट किए कि आज यूपी के उपचुनाव परिणाम भविष्य के लिए निर्णायक संदेश देने वाले होंगे। जैसे ही परिणाम भविष्य के निर्णायक संदेश देने लगे तो ट्वीट डिलीट हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि हिमाचल प्रदेश 2022 में बदलेगा रिवाज, फिर खिलेगा कमल, फिर भाजपा राज। अब इस पर भी लोग उन्हें घेरने लगे क्योंकि हिमाचल में भाजपा के हाथों से सत्ता खिसक गई है। लोग डिप्टी सीएम से पूछ रहे हैं कि आप अपनी ही पार्टी के लिए जब जब अच्छा लिखते हैं तभी तभी उसका उल्टा क्यों हो जाता है। पहले सिराथू में आप खुद हार गए और अब जब भी भविष्यवाणी करते हैं आपकी पार्टी भी हार जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।